हमारी खास चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद आज मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। वहीं कौन से नगर निगम में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये तो आज साफ हो जाएगा। पार्टी के लिए आज फैसले का दिन है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को यानी कि आज मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तीन मेहमान जुड़ गए हैं। रायपुर से दो मेहमान जुड़े हैं, राजीव चक्रवर्ती जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो वहीं स्टूडियो से हमारे साथ में राजीव सिरोठिया जी जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास आऊंगी मैं। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। आपका 40 पन्नों का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था नगरीय निकाय चुनाव के लिए कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, अभी स्पष्ट नतीजे आने में समय है, पूरी तरह कैसे आया नहीं है। नगर पंचायत में भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत जगह कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है, लेकिन स्थिति स्पष्ट होगी रात को 7:30-8 बजे के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जिस प्रकार से शासन है और सरकार है उसका कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है, लेकिन दोनों ओर से कशमकश जारी है और लोकतंत्र का त्योहार है, किसी न किसी की जीत होगी, किसी न किसी की हार होगी, लेकिन अंततः ये चुनाव यह दिख रहा है कि बहुत कठिन चुनाव है, जहां बड़े बड़े झंडे बदर लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और नए युवा लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि नए लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और स्थापित लोग कहीं ना कहीं से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, और ये राजनीति की नर्सरी होती है जो नगरीय निकाय चुनाव होती है, और इसी नर्सरी से बड़े बड़े वटवृक्ष पैदा हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ये चुनाव ये दिखाता है कि कई बार धनबल के सामने भी कोई गरीब आदमी भी जीत जाता है और कई बार धनबल बड़ा प्रभावी दिखाई पड़ता है। तो अंततः प्रजातंत्र की जीत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हार या जीत की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से तपकर उभरी हुई पार्टी है। कई बार ऐसा हुआ कि जब संसद में 84 में हमारे दो लोग थे, आज हमारी सरकार है, कई जगह थे, हमारा अता पता नहीं था, वहां हमारी सरकार बन गई प्रदेशों में। तो ये तो स्थिति है। अटल जी पहले ही कह चुके हैं, ना जीत में ना हार में किंचित भयभीत नहीं मैं, ये भी सही वह भी सही। जी, जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तब भी नगरीय निकाय की ज्यादा सीटें आपके खाते में नहीं आई थी। फिलहाल वापस आऊंगी मैं आपके पास में, पर अभी रुक करती हूँ राजेश सिरोठिया जी का। इससे पहले हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस सत्ता में आई एक बड़े घोषणा पत्र के साथ में, तो वहीं इस बार हमने देखा कि बीजेपी ने एक 40 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है। क्या लगता है कि अब घोषणा पत्र की ट्रिक काम करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार सत्ता में होती है नगरीय निकायों में लोग उसकी तरफ ही उसका रुझान दिखता है और ये बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि शहरी मतदाता होते हैं नगरीय निकायों में, तो वो इस बात को जानते हैं कि उनको अगर नगर अपने नगर का विकास चाहिए है तो ऐसी इस पार्टी को ही अपने वोट देना चाहिए जो जिसकी सरकार रायपुर में बनी हुई है, क्योंकि उनको फिर धनराशि और सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको मिलने में देर नहीं होती। तो अमूमन ट्रेडिशन यही रहा, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, जब शिवराज सिंह चौहान थे तो हर जगह नगर निगम मैक्सिमम जो है बीजेपी ही जीतती थी। तो लेकिन फिर भी जो देखा जाए कि जो जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो स्थिति हुई थी कि 3/4 से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस वहाँ जीती थी और बीजेपी जो है 16-17 सीटों के आसपास आगे सिमट गई थी, उसके मुकाबले वहाँ पर अच्छी सीट उनकी पार्षदों के रूप में जीत कर दिख रहे हैं बीजेपी के, तो उनके लिए इंकरेजिंग है कि वो अपना लूजिंग ग्राउंड जो था उसको रिगेन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जो मानसिकता है आम मतदाता की वो उसको देता है, और जैसा यूथ की बात कर रहे हैं, बुनियादी रूप से नगरीय निकायों में बहुत काम करना पड़ता है पार्षदों को, तो यूथ में जो एनर्जी होती है तो जनता इस बात को भी समझती कि एनर्जेटिक लोगों को ही अपन करें, और वरिष्ठ जो होते जाते हैं उनके लिए फिर ऊपर की सीढ़ी है राज्यसभा विधानसभा लोकसभा, तो अच्छे संकेत हैं लोकतंत्र के लिए। और इसके लिए दोनों ही पार्टियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनने युवा शक्ति को भी काफ़ी मौका दिया। जी अमित जी, अब आपके पास मैं आऊँगी। अभी कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी निश्चित तौर पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार
को विधानसभा में ऐतिहासिक जीत मिली थी और जो हमारी सरकार ने एक साल में काम किया है उसके बाद जनता का जो आशीर्वाद और विश्वास हमें उपचुनाव में भी देखने को मिला था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आशीर्वाद बरकरार है। अभी नगरीय निकाय में भी हमारे हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर उनका प्यार और आशीर्वाद बरकरार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पूर्व में यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तो भी हम 10 वर्षों से, हम अगर रायपुर के परिप्रेक्ष में बात करेंगे तो हम 10 वर्षों से ये सीट जीतते हुए आए हैं। पहले डॉक्टर किरणमयी नायक यहाँ की महापौर बनी थी, फिर आदरणीय प्रमोद दुबे जी यहाँ के अभी वर्तमान में महापौर हैं, और अब तीसरी बार हम लोग जनता के आशीर्वाद से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि अगर 10 बड़े हम नगर निगमों की बात करेंगे तो 9 जगह हम अभी आगे चल रहे हैं और बिलासपुर में 33 और 32 का ऐसा रेशियो चल रहा है, तो वहां भी हम लगभग बनाने की स्थिति में हम आ रहे हैं, क्योंकि जो निर्दलीय एक दो जज जीत रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। तो इस टाइप का मैंडेट हमने तो कहा था कि हम लगभग विधानसभा के जिस प्रकार हमें प्रचंड बहुमत मिला था, 2/3 बहुमत से ज्यादा से हम जीत के आए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार के जो एक साल की हमारी जो काम की उपलब्धियां हैं और जिस प्रकार के हमने जनता के मुद्दों को हमने छूने का काम किया है, जमीनी मुद्दों को हमने छूने का काम किया है, जो हमने छत्तीसगढ़ की अस्मिता की हमने बात करी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का जो हमने बीड़ा हमने उठाया, जनता को सारी चीजें वो पसंद आ रही है। और आप देखिए उसका ये परिणाम है कि 100 में 100% अभी हम जो 10 में 10 बड़े नगर निगम हम जीतने जा रहे हैं। अभी आपने मुद्दों की बात की है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निम्न वर्ग के मुद्दों पर नगरीय निकाय चुनाव लड़ा जाता है, पर इस बार देखा गया था कि बड़े बड़े नेताओं की इसमें दावेदारी की गई थी, आप ही की पार्टी के लोग सीएम के नाम पर वोट मांगते नजर आए थे। जी देखिए, सीएम साहब तो बिल्कुल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बड़ी विडंबना भी देखने को मिली यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो यहाँ पर स्थानीय नेताओं को किसी का फोटो तक लगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। प्रचार प्रसार में आप देखिए, ये मोदी जी और शाह जी की फोटो लगाते थे, खैर इनका व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है, उसके हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में इनकी जो उल्टी गिनती चालू हो गई है, कमल का फूल है उसकी पंखुड़ियां मुझे बिखरती हुई नजर आ रही हैं, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप कल झारखंड ले लीजिए, उसी प्रकार यहाँ के नगरीय निकाय चुनाव ले लीजिए, सारी जगह प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के लोग जीतते आ रहे हैं। विपक्ष को छोड़िए, आपकी अगर नगरीय निकाय चुनाव में जीत होती है तो क्या क्या मुद्दों पर फोकस रहेगा आपका? देखिए फोकस हमारा ये तो मूलभूत सुविधाओं वाला चुनाव है, आप भी जान रही हैं, सड़क बिजली पानी पर्यावरण और जो लोकल मुद्दे जो होते हैं, स्ट्रीट लाइटें, ये सारी चीजें। और जैसा जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारे अभी महापौर जो हैं प्रमोद दुबे जी, उन्होंने 176 जगह ओपन जिम उन्होंने लगाया है, तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। और 5-6 जो मैंने मुद्दा गिना ये हमारे लिए प्रमुख मुद्दे हैं, हम उस पे समय उसमें। और हाँ, 24 घंटा पानी बिजली सड़क और ये जो है मूलभूत सुविधाएं जो होती है, इसके लिए जनता पार्षद को चुनती है और उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, जो सुख दुख में उनका साथ दे रहा है, जनता उसी को ही जिताती है। जी राजीव जी, आपके पास आऊंगे, आपने अभी कहा था कि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है, अगर बात मैं पहले की करूं तो 15 साल तक बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में राज किया है, बावजूद इसके जब नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट उठा के देखे जाए तो कुछ भारी जीत देखी नहीं गई है, बराबर का ही मुकाबला रहा है, पर अब तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है और साथ ही जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने ही बढ़त बना रखी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, स्थानीय सरकार है, कांग्रेस की अपनी सरकार है राज्य में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं, सरकार के साथ है। सरकार के नुमाइंदे बहुत रूप से इस चुनाव को प्रभावित करें, चाहे बैलेट पेपर का मुद्दा हो, कहां से छपा लिए पता नहीं है, बहुत व्यापक रूप से मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए हैं या दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी बात है जहां की 70-80% मतदान होना चाहिए था, तब रिजल्ट में कुछ मजा आता, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत सारे सरकार के लोगों ने इसको प्रभावित करने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव है, उसका विश्लेषण तो पूरे चुनाव होने के बाद जब पदाधिकारी लोग बैठेंगे तो इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हार गई वहां गई, कोई कमल की पंखड़ियां उखड़ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पूरी 1977 में लीडरशिप को बंद कर दिया गया था और ये सोचा गया था कि वो तो जनसंघ बंद हो गई, जनता पार्टी बंद हो गई, कोई पार्टी बंद नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर हर गली गांव में मौजूद है, था और रहेगा। और ये ठीक है, चुनाव आते रहते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती रहती है, उससे ये आकलन करना कि
केवल एक परिवार का राज रहेगा, ये परिवार का राज कभी नहीं रहेगा। राज तो लोकतंत्र का ही रहेगा, जीतेगा तो लोकशाही ही, लोकतंत्र ही जीतेगा। और रही बात नगरीय निकाय चुनाव में, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोग समझते हैं कि जो स्थानीय सरकार है वो तारतम्य ठीक रहेगा, तो ये मनोदशा रहती है। उस मनोदशा के तहत हो सकता है कहीं कांग्रेस को लाभ मिलता दिख रहा हो, लेकिन मूल बात यह है कि कांग्रेस भया दोहन की स्थिति की है। कई जगह हमने, जैसे कांग्रेस के लोगों ने शराब बांटी, हमने आबकारी विभाग और पुलिस को फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यह भी एक बात है कि जब कांग्रेस शासन में रहती है तो पद का दुरुपयोग करती है। अभी एक बार फिर से आपसे यही कहूंगी कि जब 15 साल तक आपकी सरकार थी, फिर क्यों जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया? वापस लौटूंगी आप पे राजीव जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए डीएनएन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप, मैं बात करूंगी अमित श्रीवास्तव जी से। वादे इससे पहले भी बहुत से किए थे, कुछ वादे पूरे हुए और कुछ वादे नहीं हुए। अब नगरीय निकाय चुनाव है, तमाम वादे अभी भी पूरे किए गए हैं। क्या लगता है, अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो क्या कुछ वादे पूरे होंगे और किन पर फोकस रहेगा? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस ने वादे तो किए पर वो पूरे नहीं किए। जी देखिए, जनता हम पे विश्वास है इसीलिए कर रही है, और अगर हम काम नहीं करते तो निश्चित तौर पे हमें उपचुनाव में जनता ऐतिहासिक मतों से, प्रचंड बहुमत से नहीं जिताती। जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है, जनता के मुद्दे हम जो हमने वादे किए थे हम उसकी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, सब जानते हैं कि घोषणा पत्र जो बनता है वो 5 वर्षों के लिए बनता है, लेकिन हमने अभी 1 साल में ही 70% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। तो जनता भी देख रही है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो कर रही है। कांग्रेस ने जो संकल्प लिया था, जो संकल्प पत्र बना था, हम बार बार कहते हैं कि उस संकल्प का हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, हमने जो कहा है हमने किया है। और देखिए, मैं ये उसका परिणाम आप देखिए कि जो भारी सारी जगह आप देखिए कांग्रेस के लोग, अभी हम आप ही के स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार, जहां का भी रिजल्ट आ रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो था, प्रत्याशी था, वो जीतते जा रहा है। तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता हम पे विश्वास कर रही है, और निश्चित तौर पे जनता हम पे विश्वास कर रही है, इसीलिए हमें प्रचंड बहुमत से हर जगह जिता रही है। आप अगर मुद्दों की बात करेंगे तो आप आज आप देखिए, ये तो स्थानीय चुनाव है, हमारे कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी उससे लड़ाई लड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता करता था। हमारा कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बहुत मेहनती है, 15 साल उसने धैर्य रखा, बहुत उसके अंदर जज्बा है, वो मेहनती है। और जो उल्लास, जो हताशा यहाँ की जनता में पिछले 15 सालों में था कि किस प्रकार से वो पूर्ववर्ती सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन जो हमको जिम्मेदारी जो जनता के द्वारा इतने प्रचंड बहुमत से जिता के जो दिया गया, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी और जवाबदारी जनता ने दी कि कैसे उस हताशा को हम उल्लास में बदल लें। और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे, एक के बाद सिलेवार उस वादों को पूरा करते गए, जिससे प्रदेश में एक कांग्रेस के पक्ष में मजबूत वातावरण बना। और उसका परिणाम है कि अगर हम उपचुनाव में भी गए तो बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि उपचुनाव जो है सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का चुनाव है, लेकिन जनता ने वहां भी हमें जिताया। मतलब जनता हमारे काम को पसंद कर रही है, इसीलिए उपचुनाव में भी जिताया। और आज 10 में 10 नगर निगम में, जो बड़ी नगर निगम है वहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिना जनता के तो ये हो नहीं सकता था। मतलब जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है, इसीलिए हम जीत रहे हैं। राजीव जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो लगातार आरोप यही लगते रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। और अगर वादे पूरे नहीं हुए तो इससे पहले उपचुनाव में भी उपचुनाव हुआ, उसमें से आपकी भी एक सीट थी जो कांग्रेस के खाते में चली गई, और अब जब हम देख रहे हैं तो कांग्रेस ने ही बढ़त बना रखी है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है राजीव जी? तो हमारा, तो आपको बता दें कि मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें कि आज शाम तक नतीजे साफ हो जाएंगे, स्थिति साफ हो जाएगी कि
किस पार्टी ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि अभी तक के रुझान जो सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। तो आपको बता दें कि आज स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तो एक बार फिर से हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव जी, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। इससे पहले अमित जी ने तमाम आरोप लगाए बीजेपी में कि 15 साल तक बीजेपी ने भ्रष्टाचार ही किया है और अगर हम वादे पूरे नहीं करते तो जनता हम पर भरोसा क्यों जताती, क्या कुछ कहेंगे? जो 15 साल है, 3 विधानसभा के चुनाव है, बहुत सारे नगरीय निकाय चुनाव हुए, जनता अगर कांग्रेस को नहीं जिताती तो कांग्रेस का ये चरित्र है जी, गाली भक्ति के भ्रष्टाचार की सरकार थी ये। छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ था छत्तीसगढ़। वहां पे 3 जनादेश लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। जहाँ कांग्रेस के दिल्ली के लोग आकर यहाँ डेरा जमाए रहते थे और मतदाताओं का भयादवान करते थे, दुष्चरित्र मैंने दुनिया भर की बातें फैलाते थे, अफवाह फैलाते थे, उसके बावजूद भी 3 मैंडेट मिलना, उसके बाद एक महापौर का चुनाव जीतना और अधिकांश जगह MIC भारतीय जनता पार्टी का रहना, ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सुशासन था। उसके बाद जो चुनाव हुए हम नम्रता से उस हार को स्वीकार करते हैं। फिर लोकसभा के चुनाव हुए, राष्ट्रीय मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कांग्रेस के लीडरान कहते थे कि अगर भाजपा की 1 से ज्यादा सीट आई तो हम नेतागिरी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, उसके बावजूद भी लोकसभा में जीत गया। यहाँ 3/4 मेजोरिटी है, 3 गुना से ज्यादा मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं प्रदर्शन बहुत अच्छा है, सफल है। वो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करोड़ बदलता है। लेकिन कांग्रेस का अहंकार और घमंड ये बतलाता है कि इनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं है जी। जब भारतीय जनता पार्टी को 3 जनादेश मिला तो कहते हैं कि कुशासन था। अरे कुशासन था तो 3 सरकारें कैसे बन गई, हवा से बन गई, जनता ने जिता के दिया। और ये देखिए, जनता उतारती भी है बैठालती भी है, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर हमला कभी नहीं करती ये कांग्रेस पार्टी। अभी देखिए सीए के मुद्दे पर, NIRST के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग पकड़े हैं, जो जामिया में भगदड़ कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे और पत्थर मार रहे थे हमारे सैनिकों के ऊपर। तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि बिल्कुल बात है ये, लोगों को भड़काना और झूठी बात करना, झूठी शपथ लेना। ठीक है, चुनाव कहीं जीते हैं कहीं हारते हैं, लेकिन इस प्रकार से देश के अंदर गड़बड़ी पैदा करना कोई अगर करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है और ये आज ठीक है, कांग्रेस जीते या हारे कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जो ये दोहरापन है जनता देख रही है और कांग्रेस का ये सबक खुल जाएगा और लोग कांग्रेस को हाशिए पर लाएंगे, ये मेरा भरोसा है और ये मेरा विश्वास है। जिस बात आपने लोकसभा की है, बात आपने लोकसभा की है, तो यहाँ पर मैं आपको साफ कर दूं कि लोकसभा में मुद्दे से ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे गए थे। और बात अगर अभी नगरी निकाय चुनाव की हो रही है तो कुछ तो खामियां होंगी आपकी पार्टी में कि इससे पहले जब आप ही की सरकार थी छत्तीसगढ़ में तब भी कोई भारी मतों से जीत नहीं होती, बराबर की ही सीटें थी उस समय भी। जी मैंने कहा कांग्रेस का गढ़ रहा है छत्तीसगढ़ और इस गढ़ में 3 जनादेश लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं जनादेश मिला था तो हमने मुद्दे के ऊपर हमने जो वादे थे उन वादों को फुलफिल किया, लोगों की सेवा की। जो पिछड़ा हुआ छत्तीसगढ़ था, जो बीमारू राज्य कहलाता था, उस छत्तीसगढ़ की सेवा करके छत्तीसगढ़ को अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, अच्छी सड़कें बनाई, अच्छे अस्पतालों की श्रृंखला शुरू की, रोड मैप और एक विजन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जिस प्रकार के कांग्रेस के लोगों ने गंगा जल लेकर झूठे कसमें खाई, चाहे शराबबंदी का मामला हो, धान खरीदी का मामला हो या चिकित्सा वक्त, मेरे पास में वक्त कम है अमित जी, आपके पास आऊंगी। उनका कहना है कि 15 साल में बहुत काम हुआ है, बीमारू राज्य को इसका प्रगति की है और साथ ही छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया, 15 साल में काम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, अगर ये अच्छा काम करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, नान घोटाला नहीं करते और अंतागढ़ का खेल ये नहीं खेलते, लोकतंत्र की बात करने का तो इनको नैतिक अधिकार तक नहीं है। अमनदीप जी, आप देखिए जिस प्रकार से ये हमारे कैंडिडेट को वहां पर खरीदते थे, ये अपनी बी टीम के साथ मिलके, उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से DKS घोटाला, और आप देखिए कि जिस प्रकार इनके यहाँ गरीब आदमी जिस प्रकार, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए ना, जिस प्रकार आप पहले इनका सुन लीजिए फिर मैं बोल दूंगा।
चिकित्सा सेवा की हालत बद से बदतर होते जा रही है। बोलिए अब आप, मैं बोल लूं, मेरे पास वक्त की कमी है, कम कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी कीजिए, दोनों से मैं निवेदन करूंगी, कम कम शब्दों में बात पूरी कीजिए, समय की कमी है मेरे पास। जी जी, तो जिस प्रकार का ये छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का आलम था, निश्चित तौर पे जनता ने देखा है, और जिस प्रकार हमने नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी एला बचाना है संगवारी, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, और उसपे हमने काम किया, और ये हमारी सोच को दर्शाता है। एक औद्योगिक नीति हमने बनाई ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेटों को, बच्चियों को रोजगार मिल सके। छत्तीसगढ़ की जनता को हम पे विश्वास है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। अब आपसे चाहूंगी कि मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए कम शब्दों में, क्योंकि समय की बहुत कमी है मेरे पास में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पद्धति से चलती है, चुनाव व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं करती, लेकिन कांग्रेस में क्या किया था, ईवीएम को बंद करके, देखिए इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक बुक लिखी है, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नरसिम्हन जी ने एक बुक लिखी है, मैं आपको बताता हूँ, उसके 2010 में लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, वी कैन ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और नॉट। उसके प्रस्तावक थे एल के अडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो उनके राज्यसभा सदस्य हैं। समय की मेरे पास में कमी है, समय की हो सकता है। अमित जी, राजीव जी, ईवीएम को बंद कर दीजिए। अमित जी, राजीव जी, अब तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है ना, अब तो ईवीएम की गड़बड़ी पे आप सवाल ही नहीं उठा सकते। आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल अभी तक के रुझानों की बात करें तो कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।